वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को राजनांदगांव के कुमरदा पहुंचे। यहां सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जब सुबह लखनऊ से रायपुर के लिए रवाना हुआ तो कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आप छत्तीसगढ़ जा रहे हैं क्या कहेंगे, तो मैंने कहा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़ प्रभु राम का ननिहाल है, छत्तीसगढ़ अपनी पहचान हजारों सालों से अपनी विरासत का संरक्षण करती आ रही है। लोगों ने गलत तरीके से यहाँ की छवि को प्रस्तुत किया होगा, लेकिन बीजेपी की सरकार ने मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ को अपनी पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध किया है। सीएम योगी ने आगे कहा कि रायपुर में भगवान राम का मंदिर बन रहा था, तब डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि अयोध्या से पहले छत्तीसगढ़ में राम मंदिर बना रहे हैं, तो मैंने कहा था बालक तो पहले ननिहाल आते हैं, कांग्रेस के लोग कहते थे तो राम हुए ही नहीं। गांधी के नाम पर जिन लोगों ने सत्ता पाई वह राम के नाम पर सवाल खड़े करते हैं, इसी वजह से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। आज मुझे छत्तीसगढ़ की इस प्रतिष्ठित राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ की जनता का आह्वान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज जब प्रातः में लखनऊ से रायपुर के लिए प्रस्थान कर रहा था तो कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आज आप छत्तीसगढ़ जा रहे हैं क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा भाई छत्तीसगढ़िया और सबसे बढ़िया। लोगों ने कहा कैसे, मैंने कहा भी ननिहाल किसको अच्छा नहीं लगता है, और छत्तीसगढ़ तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का माइका है। जितने अभिभूत उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी हुए हैं, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला आगमन, रामलला के पुनरागमन पर उससे ज्यादा खुशी छत्तीसगढ़ वासियों को है, और इसीलिए तो छत्तीसगढ़ के बहन और भाई जहां अभिभूत हैं, आनंदित हैं, वहीं मुझे छत्तीसगढ़ के अपने बहन भाइयों के साथ आज चुनावी सभाओं के माध्यम से संवाद बनाने का अवसर प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रभु के आगमन पर अभिभूत हों, आनंदित हों, उनसे बढ़िया दूसरा तो नहीं होगा, और इसलिए मैंने कहा छत्तीसगढ़िया तो सबसे बढ़िया। बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ अपनी पहचान आज से नहीं, हजारों वर्षों से अपनी इस विरासत का संरक्षण करती आ रही है।